तो राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रेवेन्यू से शुरू करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 34.08 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 36.41 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 24.93 करोड़ का रेवेन्यू। तो अभी अगर इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 25.39 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 27.96 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 18.7 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहां से इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 25.5%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 23.2% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 24.98%। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6.51 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6.27 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4.59 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह यहाँ पे भी कंपनी ने एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की EPS वैल्यू निकल के आई है 5.67 की, सितंबर 2022 की निकल के आ रही है 5.46 की एंड दिसंबर 2021 की निकल के आ रही है 4 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की रेवेन्यू ग्रोथ। बस इस एक ग्रोथ को छोड़ के बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है दिसंबर 2022 के क्वार्टर में। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है दिसंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है, कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।